साल से उसकी कोई खबर नहीं है। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। शाहरुख खान की आने वाली पठान फिल्म को लेकर पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान, जो 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, इस फिल्म को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग 8 देशों में की गई है और इस फिल्म को बनाने में 250 करोड़ का लागत आया है। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। पठान फिल्म को यशराज फिल्म द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम विलन के तौर पर नजर आएंगे। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करते हुए नजर आएंगे। पठान फिल्म का टीजर 2 नवंबर 2022 को शाहरुख खान के 57वां जन्मदिन पर लॉन्च किया गया। इस फिल्म के गाना बेशरम रंग को दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया। आते ही इस गाने को एक दिन में 6 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा। लेकिन इस गाना ने फिल्म को मुसीबत में डाल दिया और ट्विटर पर बायकॉट पठान ट्रेंड करने लगा। इस गाने में दीपिका ने लगभग 10 अलग अलग रंगों के कपड़ा पहनी है, बाकी किसी कपड़े पर कोई आपत्ति नहीं हुई। इस भगवा रंग के बिकिनी ड्रेस पर लोगों ने आपत्ति जताई। इसी को लेकर पूरे देश में इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। निरहुआ, ये देखिए किस तरह से भगवा की सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारे फिल्म में भगवा रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस गाने के बाइकॉट होने के और वजह भी लोग बता रहे हैं। और ज्वाला मंडी की मंडी में माननीय रवि किशन किस तरह से भगवा का नाम रोशन कर रहे थे, दबाव की भावनाएं नहीं बढ़ती। पठान फिल्म पर जारी विवाद के बीच शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे और जाते जाते पठान फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले। मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। इस गाने में दीपिका ने लगभग अलग अलग 10 रंगों के कपड़े पहने हैं, बाकी किसी रंग पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस गाने का विरोध भगवा रंग के बिकिनी ड्रेस को लेकर हुआ है। बहुत से लोगों ने यह मांग किया है कि या तो गाना को हटा दिया जाए या फिर इस ड्रेस को बदल दिया जाए।